आपने कभी एक बात पे गौर किया है? जिंदगी में यात्रा करना एक अलग ही सुंदर अनुभव होता है। यात्रा करने से हर किसी व्यक्ति को देश दुनिया के विषय में बहुत कुछ सीखने मिलता है। और भूटान की ना एक बात है जो बहुत खास है, और वो है यहाँ के लोग, सड़कें और नज़ारे। ये सिर्फ आपकी मंजिल ही नहीं, यहाँ का सफ़र ही अपने आप में एक अनुभव है। और इस अनुभव के बाद आपका कभी मन ही नहीं करेगा कि ये सफ़र कभी ख़त्म हो। So we are heading towards Punakha today. Punakha is near about 80 kilometers from here. It's going to take around 3 hours. क्योंकि हम रास्ते में दो चूल्हा पास आएगा, वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगे, उसके बाद हम Punakha की ओर बढ़ेंगे। We are going to stay in Punakha आज रात को। और Punakha का जो स्टे है आज रात का, ये विला वाले लोग नहीं हमारे लिए वहाँ पर एक होम स्टे बुक करके दिया है, बिकॉज वी आर फैमिली, तो हर जगह हमें होम स्टे मिल रहा है। और होम स्टे की एक अच्छी बात ये होती है कि मतलब थोड़ा घर जैसा माहौल रहता है, खाना वाना अवेलेबल अच्छे से हो जाता है, और टाइम पास करने के लिए आपके पास लोग बहुत सारे रहते हैं बातें करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फॉर नाउ वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स Punakha। Okay, so right now I'm in front of the Dochula Pass. Right there behind me, it looks beautiful. As soon as we entered, we just saw the top part. Bahut sundar lag raha tha, so we are gonna sit here for some time. And by the time we sit here and explore this place, you just have a look at this B-roll, which is coming up to you in 3, 2, 1. Every place has its own story, so does Dochula has one. The Bhutanese army had a war with the Ulfa, and some of the Bhutanese soldiers were also killed in the war. So for the victory of the war and for the soldiers, 108 stupas were built here, and these are called as Druk Wangal stupas. Okay, so we finally reached Punakha Zong, and that's the Punakha Zong behind me. So this is where the wedding of the king happened. See how huge it is. मतलब वो ऊपर तक लोग जाते हैं और हमें शायद अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। I'm gonna show you adult 300 per person. And this is the timing what's written. We will be going inside now. अगर अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता है तो आई वॉन्ट बी एबल टू क्लिक इनसाइड, आई मीन आई वॉन्ट बी एबल टू ब्लॉग इनसाइड। मोस्ट प्रॉबली अंदर अलाउड नहीं है, पर जितना दूर तक है आई ट्राई एंड शो यू। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुक्स ब्यूटिफुल, एंड देयर इज़ अ रिवर फ्लोइंग एंड द वाटर इज फुल्ली ग्रीन। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स देयर इनसाइड। सस्पेंशन ब्रिज की ओर चल रहे हैं, कुछ 15 टू
20 मिनट्स का वॉकिंग है। तो अगर आप पुनाखा जोंग आ रहे हैं तो पुनाखा जोंग के गेट के अंदर घुस के ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो आपको सस्पेंशन ब्रिज की ओर लेके जाएगा, जहाँ हम अभी फिलहाल चल रहे हैं। सो जैसे आई विल रीच देयर आई विल टॉक टू यू, इट्स वेरी सनी और आई एम टायर्ड। 20 मिनट्स लेटर। ओह क्या ब्यूटीफुल है यार, वी फाइनली रीच्ड द सस्पेंशन ब्रिज। That's the bridge. Hardly 5 minutes of walking more, we'll be in the bridge. A few inches later. So right behind me is the suspension bridge, and it's looking very beautiful. और ये वही नदी है जो हमने पुनाखा जोंग से देखा था। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम सोच रहे हैं इतना दूर क्रॉस करके उस पार से उस पार ब्रिज में जाए कि नहीं, बट देन इतना दूर आए हैं तो वी विल। सो इन 3, 2, 1 आई बी वॉकिंग इन द सस्पेंशन ब्रिज। Now I am in the center, मैं एकदम बीच में खड़ा हूँ and just have a look. As you can see, ये वहाँ है, आधा मेरे पीछे आधा इधर मेरे पीछे, it's literally shaking, I'm literally scared of it. It's only tied with a rope, there's a loha ka pillar, and if you wanna do river rafting, you can do it from there.